समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी निकल चुकी है। गणेश चतुर्थी जैसे ही निकली और आलोक राज जी ने जो हमारे जज्बात थे उन सब पे क्या कर दिया, सारे जज्बातों को चेंज कर दिया। वो एक मीम था ना, सारे जज्बात बदल दिए, क्या था वो समझ जाओ तुम लोग। ठीक बात है, तो उसी रिगार्डिंग हम सब बात करेंगे आईए टाइपिंग रिजल्ट के बारे में कि आईए का जो टाइपिंग रिजल्ट है वो देरी से क्यों आने वाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, रेस्पॉन्स शीट कब तक आएगी, दिव्यांग बच्चों का क्या होगा, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे 27, 28, 29 अगस्त के बाद। आज प्रॉपर तरीके से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरी कुछ प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि मैंने बीच में आपसे प्रॉमिसेस की है कि मैं आज लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले पाया, तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। ठीक बात है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके किसी भी तरह के कोई डाउट है तो आप यहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारा जो यूजर हैंडल है हर चीज का, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो समर्थ क्लासेस ऑनलाइन नाम से रहेगा। ठीक बात है, तो वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, हर एक इसमें हम पॉइंट रखेंगे, देखेंगे कहां कितना झोल बनता है या कहां कितनी प्रोबेबिलिटी है समस्या के समाधान की। चलिए बात करते हैं, पहली बात करते हैं सूचना सहायक का रिजल्ट कब तक संभव है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको 3 सितंबर का ये ट्वीट दिखा रहा हूं आलोक राज जी का। इन्होंने बोला था इसमें कि 15 सितंबर या उससे पहले आप सबका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो एक ही पॉसिबिलिटी है यदि कोई कानूनी अड़चन ना आए। अब ये बताओ 3 सितंबर को इनको पहले ही पता चल गया था कि कानूनी अड़चन आने वाली नहीं आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल पहले ही पता था। क्यों? क्योंकि 27, 28, 29 अगस्त को जब एग्जाम हुआ टाइपिंग का, उससे पहले दिव्यांग कैंडिडेट के लिए हाईकोर्ट एक नोटिस दे दिया था, स्पष्टीकरण जारी कर दिया था, बोर्ड को जवाब तलब किया गया था कि इनको शामिल किया जाए, फिर भी उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला और आपका टाइपिंग का एग्जाम भी हो गया। तो वो कानूनी अड़चन का इनको पहले तो पता ही था, पहली बात ये क्लियर रखें हम लोग कि इनको कानूनी अड़चन का पहले ही पता था, तो 15 सितंबर तक इन्होंने बोल दिया था। हालांकि 15 सितंबर तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी आपके रिजल्ट जारी करने की। चलिए अगर सेकंड की बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो देखना सूचना सहायक का जो टाइपिंग रिजल्ट है उसमें देरी का क्या कारण है। तो देरी का कारण क्या है देखना बच्चों, इन्होंने आज ट्वीट किया है, ये आज ही का ट्वीट है इनका, 8 तारीख का, 8 सितंबर का इनका ये ट्वीट है आलोक राज जी का। ये क्या बोलते हैं, टाइप टेस्ट में आई सभी एप्लीकेशंस को एक कमिटी एग्जामिन कर रही है, इस वजह से टाइप टेस्ट के परिणाम में थोड़ी देरी हो भी सकती है। इसका मतलब 5 से 6 दिन में ये पलट गए हैं, सारे जज्बातों को चेंज कर दिया है। संडे के दिन, जो संडे का दिन था पकोड़े खाने का, उन्होंने इस पे क्या कर दिया है, पानी फेर दिया है। ऊपर वाली पानी, ऊपर वाली बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही और उस पे भी और पानी फेर दिया आलोक राज ने, ये कह के कि टाइप टेस्ट में जो भी एप्लीकेशंस मिली है हमें उनकी कमिटी एग्जामिन करेगी, तो अब रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है। भैया जब आपके एलडीसी का एग्जाम हुआ 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, 40 प्लस क्वेश्चन, उनका आपने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया कि कोई कमिटी हमने बैठा दी। अब आप बोल रहे हो उसके लिए तो 12 तारीख को हम आपकी आंसर की जारी करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगाना, हर क्वेश्चन का 100 रुपए लगाते जाओ, बोर्ड पैसा कमाएगा इससे, फिर हम एग्जामिन करेंगे। यहां आप डायरेक्टली एग्जामिन कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है ये दोगलापन का रीजन क्या है। ठीक है, हालांकि मैं शुरुआत से कहता हूं आलोक राज जी जैसा चेयरमैन मिलना बहुत मुश्किल बात है, नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो बंदा इनिशिएटिव लेता है उसी को अड़चने आती है, उसी को हम भली बुरी बात कह पाते हैं।
जो कुछ करता ही नहीं है, जो नीरस आदमी है, उसको क्या ही कहोगे तुम। ठीक बात है, तो मैं शुरुआत से इनका पक्षधर रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी जो हमें लगता है उसके बारे में हम भूल सकते हैं। चलिए अब जो मुझे लगता है उसके बाद वो हम देखते हैं। इसका मतलब अब सीधा सा ये है बच्चों कि रिजल्ट आपका 15 सितंबर तक तो नहीं आने वाला, पहली बात ये क्लियर होगी। अब फिर आती की बात तब रिजल्ट कब आएगा, तो देखो आप जानते हो कमिटी क्या होती है, 3-4 लोग की कमिटी बनेगी, 7-10 दिन उनको चाहिए होते हैं एक छोटे से काम के लिए, गवर्नमेंट का काम है। एक कहावत है, गवर्नमेंट को आंकड़ा, भैंस को काकड़ा। गवर्नमेंट को हर चीज डिजिट में दिखानी होती है, आंकड़ों में दिखानी होती है, हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, और भैंस को हमेशा क्या चाहिए होते हैं, काकड़े चाहिए होते हैं, कुछ चबाने के लिए चाहिए होता है, जुगाली करने के लिए चाहिए होता है। तो एक कहावत प्रचलित है अपने राजस्थान में, गवर्नमेंट को आंकड़ा, भैंस को काकड़ा, वही वाली बात है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपका रिजल्ट अक्टूबर से पहले आने की संभावना न के बराबर है, 1% चांस है कि सितंबर लास्ट वीक में आ जाए, वरना अक्टूबर में आपका रिजल्ट जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक ये आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही है। थर्ड पॉइंट की बात करें, सूचना सहायक की टाइपिंग में फिजिकली जो हैंडीकेप्ड बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे, उनका क्या हुआ, माननीय कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसका क्या हुआ। देखो ये आपके 27 तारीख से पहले ही आपका ये जवाब मांग लिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड से, आई थिंक ये 24 या 25 के आसपास की बात है, कंफर्म नहीं हूं। तो इन्होंने बोल दिया था ये सब कुछ कि जो अभ्यर्थी 27 अगस्त को टाइप टेस्ट में नहीं पहुंचते तो उन्हें भी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अब इसी फोटो को ट्वीट किया है कमल गुर्जर ने और इन्होंने लिखा है, महोदय दिव्यांगों को भी न्याय मिलेगा या नहीं। तो इन्होंने यहां पर क्या ट्वीट किया है, यह विभाग के रूल्स है, विभाग ही अपने नियमों के अनुसार इन प्रकरणों पर निर्णय लेता है। तो भैया पहली बात तो ठीक बात है कि विभाग रूल्स बनाता है, सब कुछ विभाग कराता है, आप केवल केवल एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, तो आप इसे 27 तारीख से पहले भी ट्वीट कर सकते थे। हम थक गए जवाब देते देते बच्चों को, मैं सब बच्चों को यही बोला था, आप कमेंट सेक्शन पूरे देख लेना 27 से पहले के वीडियो में, 27 के बाद में भी, इवन सब बच्चे पूछ रहे थे सर हम जाए नहीं जाए, मैंने हमेशा यही बोला भैया जाना है, जब तक बोर्ड का ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक जाना है। ये अगर ट्वीट 27 से पहले कर देते तो ये हमें रिप्लाई देने की जरूरत नहीं होती, बच्चा अपने आप चल जाता। पर फिर भी चलो ठीक है, इन्होंने आज ट्वीट तो किया एटलीस्ट इस बारे में। तो फिजिकली हैंडीकेप्ड वाले बच्चों को मेरा जो सजेशन अब यही है, आपने एग्जाम दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया उसका आप कुछ नहीं कर सकते, अब विभाग ही करेगा। और मुझे लगता है विभाग हाई कोर्ट का जो नोटिस है उसको मान लेगा और आप सबको डीवी के लिए आमंत्रित कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक बात है, चलिए उसके बाद हम बात करें फोर्थ नंबर के पॉइंट की कि सूचना सहायक टाइपिंग की रेस्पॉन्स शीट कब जारी होगी, ये जो रेस्पॉन्स शीट है वो कब जारी होगी। तो ध्यान देना बच्चों, जो हमारा पिछला सूचना सहायक हुआ था लगभग 10 से 12 दिन में रेस्पॉन्स शीट जारी हो गई थी, आपका 27 28 29 अगस्त को एग्जाम हुआ है, आज 8 सितंबर हो चुका है, मुझे लगता है कि रेस्पॉन्स शीट डिक्लेरेशन टाइम 20 सितंबर से पहले हो जाएगा। 20 सितंबर में ज्यादा लेके चल रहा हूं मुझे पता है, जिससे कोई फिर मुझे मैसेज ना करे, केवल और केवल इसलिए लिया है मैंने यहां पर 20 सितंबर से पहले, और भी 15 सितंबर तक आपका रेस्पॉन्स शीट आ जाना चाहिए। और इन्होंने यही ट्वीट किया है आज 8 तारीख को रेस्पॉन्स शीट भी जारी होगी, तो ये तो क्लियर था रेस्पॉन्स शीट जारी होगी। आप क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या था, आंसर क्या दिया है, सूचना सहायक को लेकर कोई अपडेट मिलेगी, पहले रिजल्ट या रेस्पॉन्स शीट या दोनों साथ या ओनली रिजल्ट, इन्होंने क्या लिखा है, रेस्पॉन्स शीट भी जारी होगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम सब्जेक्टिव आरएस का पेपर दे रहे हैं, हमसे जो पूछा हम उसके अलावा और कोई रिप्लाई दे आए तो क्या मिलता है, 0 मार्क्स। ये 0 मार्क्स वाला रिप्लाई दिया आलोक राज जी ने,
चलिए, पर यहाँ पर मार्क्स की बात है ही नहीं, यहाँ तो केवल क्वालिफाइंग होना है, ये क्वालिफाई तो ऑलरेडी है, चेयरमैन है आलोक राज जी। कुल मिला के बात ये, रेस्पॉन्स शीट जारी होगी, कब जारी होगी इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है, सीधी सी बात ये है, पर मुझे लगता है कि 15 सितंबर तक आपकी रेस्पॉन्स शीट जारी हो जाएगी। ठीक बात है, और ये भी पक्की बात है कि रिजल्ट से पहले ही जारी होगी, रिजल्ट तो अब आपका थोड़ा लटक गया है। अब एक और बात मैं आलोक राज जी को बोलना चाहूंगा यहां पर कि आलोक राज जी, ये जो एग्जाम था ये टाइपिंग का एग्जाम है, इसमें 20 वर्ड पर मिनट मांगी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था जब कंफर्मेशन स्क्रीन आ रही है उसके जस्ट बाद वहां पर दिख जाए आपकी इस टेस्ट में स्पीड ये रही है? भैया मैं 2012-13 में AI ट्रिपली का एग्जाम दिया, IIT का एग्जाम दिया, उस समय एक बिट्स पिलानी का एग्जाम हुआ करता था बीटेक के लिए, आज भी वो फेमस है कॉलेज बिट्स पिलानी नाम से, तो उसका एग्जाम हुआ करता था, अभी तो मुझे पता नहीं क्या पैटर्न रहा है, तो उस समय वो ऑनलाइन ही पेपर हुआ करता था, जबकि उस समय AI ट्रिपली वगैरह सब ऑफलाइन हुआ करते थे, उस समय वो ऑनलाइन पेपर हुआ करता था, जैसे ही आपने सबमिट किया पेपर उसके तुरंत बाद आपका स्कोर आ जाता था कि आपके इतने मार्क्स आए, मान लीजिए 360 आए, किसी के 320 आए, किसी के 280 आए, तो वो उसी टाइम मार्क्स आ जाया करते थे। आज चल रहा है 2024 और ये केवल टाइपिंग के एग्जाम है, उसमें आप तुरंत रिजल्ट नहीं बता पा रहे, पहली बात तो यहां अपना फॉल्ट है, रिजल्ट ऐसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर को तुरंत बताना चाहिए कि रिजल्ट क्या है, पास फेल की बात नहीं है, वहां पे केवल वर्ड पर मिनट बताना था, हिंदी में इतना इंग्लिश में इतना, ये तो बताना बताया जाना चाहिए, मेरे ख्याल से पारदर्शिता इसी में है, ट्रांसपेरेंसी इसी में है। और सुशासन की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये तो पहली चीज है प्रायोरिटी बेसिस पे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो प्राइवेट बॉडी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2008-9-12-13 में कर सकती है बिट्स प्लानिंग, वो आप नहीं कर सकते अभी भी 2024 में। रेस्पॉन्स शीट आपको अलग से निकालनी पड़ रही है, रिजल्ट के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ रहा है, अगर उसी दिन पता लग जाता तो इतना ये दिक्कत ही नहीं होती कि कितनी स्पीड है क्या स्पीड है। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं जो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सूचना सहायक डीवी कौन कराएगा, कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे? तो देखो ये तो मुख्यमंत्री जी और आलोक राज जी पहले ही बता चुके हैं, इन्होंने देखो 3 दिन पहले भी ट्वीट किया था कि बोर्ड की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने आज निर्णय लिया है कि हम पहली बार में ही सफल हुए कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, इससे सबको पता लग जाएगा कौन मेरिट लिस्ट में कहां पर स्टैंड करता है, यदि लिस्ट लाखों में होगी तो वैकेंसी के कुछ गुना की लिस्ट जारी करेंगे, और हम सबको पता है कि अब डिपार्टमेंट ही डीवी कराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। तो देखो इन्होंने ट्वीट किया है 4 सितंबर को कि सूचना सहायक या डीवी जो कि संबंधित विभागी करेंगे वही निर्धारित करेंगे कि 2 गुना को डीवी के लिए बुलाना है या 1 गुना या 1.5 गुना को। पर सीधी सी बात यह है, आपको मैं ये बता दूं कि जो आपका रिजल्ट आएगा IA का अब टाइपिंग के बाद वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आएगा, तो अगर मान लीजिए 3300 समथिंग पोस्ट है तो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं 3300 समथिंग, उनको पता रहेगा कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल सही कैंडिडेट हूँ, मैंने किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं की है, तो मैं क्या हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ, ये पता रहेगा उनको, इसलिए ये निर्णय जो इनका है वो स्वागत योग्य निर्णय है, इसका मैं तो बहुत स्वागत करता हूं, ये स्वागत योग्य निर्णय है आलोक राज जी का। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत ज्यादा क्लैपिंग आलोक राज जी, पूरे बोर्ड और पूरी टीम को। ठीक बात है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सर नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा। तो भैया देखो, तुम लोग हो सकता है कुछ गाली दोगे कुछ गाली नहीं दोगे, जिसके फेवर में मैं बात करूंगा वो गाली नहीं देगा, जिसके फेवर में मैं बात नहीं करूंगा वो मुझे गाली देगा, ये पक्की सी बात है, लेकिन मैं अपने स्टैंड हमेशा रखता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए हमेशा उसी मुद्दे पर खड़ा था कि इनका टाइपिंग नहीं होना चाहिए, मैं हर वीडियो में कहता आया था, आज भी कहता हूँ,
और इसी बात पे मैं नॉर्मलाइजेशन में भी कहता हूं, मैंने यहां पूरा लिख दिया है, जिससे आप स्क्रीनशॉट लो कुछ भी लो, मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता, वरना मैं बोल देता इस मैटर में, मैंने यहां लिख दिया क्या, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि 28 अगस्त सुबह की शिफ्ट तुलनात्मक रूप से क्या था, हिंदी का जो पैराग्राफ वो अधिक चैलेंजिंग था, हार्ड कुछ नहीं होता भैया, चैलेंजिंग था, लेकिन इस एग्जाम की टाइपिंग का स्वरूप इस प्रकार है मानो राई के दानों में मिश्री के टुकड़े खोजना। इतना सिंपल पैटर्न है, 15-15 मिनट की टाइपिंग है, मार्क्स नहीं जुड़ रहे, राई के दाने दे दिए आपको, उसमें मिश्री के टुकड़े पड़े, तो आप कितनी जल्दी खोज लोगे बताओ आप, तो वही चीज थी ये, तो सिंपल था बिल्कुल, बस बशर्ते कि करने वाला होना चाहिए था, बच्चों ने बहाने ढूंढ लिए। अब मैं मानता हूं कि अगर किसी एग्जाम में एक शिफ्ट हार्ड आ जाएगी तो बच्चों का जो रवैया है वो सख्त होना भी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए पहली बात तो, कि ऐसा गलत अलग अलग टाइप की शिफ्ट आए, अगर 6 शिफ्ट आ रही तो 6 में लगभग लगभग पैटर्न सेम होना चाहिए, हालांकि 5 में बिल्कुल इजी लेवल था जो हर शिफ्ट में था, एक शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी मैं भी मानता हूं, और मैंने यहां पे मेंशन किया है कि अधिक चैलेंजिंग था, लेकिन आप अगर एग्जाम का पैटर्न देखें, एग्जाम टाइपिंग का स्वरूप देखें, तो वो कुछ इस प्रकार का ही है कि राई के दानों में आप मिश्री के टुकड़े खोज रहे हो, क्यों, क्योंकि वहां पर आपके किसी भी प्रकार के मार्क्स नहीं जुड़ रहे, ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, केवल 20 वर्ड पर मिनट आपको लाना है, जबकि आईए एग्जाम के समतुल्य जितनी भी एग्जाम्स में टाइपिंग होती है वहां पहली बात तो मार्क्स जुड़ते हैं, न्यूनतम 30 से 32 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है, वरना आप बाहर हो जाते हो, यहां ऐसा नहीं है, न तो आपके मार्क्स जुड़ रहे ना आपको मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, फिर ये नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, हो सकता है यार थोड़ा सा हार्ड आ जाए, धृतराष्ट्र लिखने में कहां दिक्कत है बताओ, धृतराष्ट्र लिखने में कहां दिक्कत है, ये लिखने में कहां दिक्कत है, महाभारत लिखने में कहां दिक्कत है, दुर्योधन लिखने में कहां दिक्कत है, हिंदी टाइपिंग वालों मुझे बताओ तो जरा एक बार, कहां दिक्कत आ रही है इनको लिखने में, बस ये वही वाली बात है, दूसरे की थाली में, समझ गए ना आप लोग, तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैटर है वो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है, अब जो गाली देना चाहे, जो किसी भी तरह की बकवास करना चाहे, वो कमेंट सेक्शन आपके लिए स्वागत योग्य है, खूब कमेंट करो, कतई फर्क नहीं पड़ता, पर नॉर्मलाइजेशन की इसमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वहीं अपनाया जाता है जहां नंबर काउंट हो रहे हैं, नंबर जुड़ रहे हैं, जहां मेरिट से फर्क पड़ रहा है उसमें, यहां मेरिट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट यहां केवल क्वालिफाइंग नेचर है बच्चों, 20 वर्ड पर मिनट का कितना टाइम दिया गया है सोचो आप, ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा, आपको जो सोचना है सोच सकते हैं, मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है, सूचना सहायक से रिलेटेड आज तक का जितना भी अपडेट था, ठीक है, अब बच्चों क्या होने वाला है, आईए का जो कट ऑफ का वीडियो है वो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं जल्द, ठीक है, फिर आईए टाइपिंग रिव्यू, टाइपिंग ओवरऑल रिव्यू, इसमें टाइपिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं उन सबको मैं लूंगा, तो ये दोनों वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे, बाकी आपको आईए से रिलेटेड तो वीडियो मिलते ही हैं, एलडीसी टाइपिंग और एफिशिएंसी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कराने वाला हूं, एलडीसी टाइपिंग और एफिशिएंसी। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सएप पे आप कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे ये कमेंट कर सकते हैं, ठीक बात है, तो आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।